नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सूचना भवन में खोला गया लोक सेवा केंद्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नए लोक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस लोक सेवा केंद्र पर पटना जिला राज्य के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, राज्य नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। राज्य के किसी भी अंचल के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया है तो उसकी पावती को दिखलाकर इस केंद्र में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क नहीं है। बिहार में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की हुई शुरुआत। बिहार के 3 शहरों में आज से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने पटना, जमुई और पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कराने का निर्णय लिया है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर बिहार के 3 शहरों का चयन टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए किया गया है। इनमें फुलवारी शरीफ अस्पताल, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल और शास्त्री नगर अस्पताल शामिल है। पश्चिम चंपारण के बेतिया के पीएचसी, चनपटिया पीएचसी, मझौलिया और बेतिया शहरी अस्पताल तथा जमुई के बहुउद्देशीय स्कूल जमुई, प्लस 2 स्कूल जमुई और ऑक्सफोर्ड स्कूल जमुई में पूर्वाभ्यास किया गया। पटना एयरपोर्ट को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी ने दिया सुझाव। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। हालांकि गठित इस टीम ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर बनाई गई इस कमेटी ने मान लिया है कि सुबह में विमानों की बंचिंग हो रही है। जानकारों की माने तो एक समय में कई बार 6 से 7 विमान की आवाजाही की स्थिति बनती देखी जा रही है। इससे टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर से लेकर भीतर तक लंबी लाइन हो रही है। समिति ने साफ तौर पर यह सुझाव दिया है कि पटना एयरपोर्ट से हर घंटे फिलहाल 3 से 4 विमानों का परिचालन हो, ताकि एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के लगने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जीविका दीदियों का अब होगा बीमा। राज्य के सभी जिला अस्पतालों की कैंटीन में भोजन का प्रबंधन जीविका दीदियां करने वाली हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि जीविका दीदियों के बीमा की योजना बनाई जाए। इसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री के सामने जीविका से संबंधित प्रस्तुतिकरण किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने बीते दिन मुख्य सचिवालय पहुंचे और लगभग 6 घंटे वहां रहने के बाद उन्होंने कई समीक्षाएं की। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कीर्ति आजाद की। कीर्ति आजाद का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में आज ही के दिन हुआ था। कीर्ति वर्धन भागवत झा आजाद एक राजनीतिज्ञ और पूर्व क्रिकेटर है, जिन्होंने 1980 और 1986 के बीच भारत के लिए 7 टेस्ट और 25 एक दिवसीय मैच खेले। आजाद का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र थे। वो एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज थे। 180 से 81 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए एक आश्चर्यजनक विकल्प उन्होंने वेलिंगटन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उनके करियर का मुख्य आकर्षण 1983 के क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रहे थे। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त में मिलेगा वैक्सीन। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बिहार में मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का दावा किया गया था। वहीं अब बिहार के तर्ज पर ही पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने यह ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन अब पूरे देश में लोगों को मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में जब स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन जैसे दिल्ली में फ्री होगा, क्या वैसे ही सभी राज्यों में मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा, जिसके जवाब में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त में पहुंचाया जाएगा। बिहार के डाकघरों में अब मिलेंगे ट्यूब सहित 15 वॉट के एलईडी बल्ब। डाक विभाग बिहार वासियों को एलईडी बल्ब मुहैया करवाने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिसके तहत अब डाक विभाग 0.5 से 15 वॉट तक का एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने वाला है। इसके साथ ही ट्यूबलाइट भी डाकघर से खरीद सकेंगे। इसकी कीमत बाजार से कम होने का अनुमान लगाया गया है। एलईडी बल्ब डाक विभाग पहले से ही उपलब्ध करा रहा है। हालांकि विभाग अब तक सिर्फ 9 वाट के एलईडी बल्ब की ही आपूर्ति करता था, अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। बल्ब के साथ ही 10 और 20 वॉट की ट्यूबलाइट भी डाक विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके लिए भी C&S इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और डाक विभाग के बीच समझौता प्रस्तावित है। सुशील मोदी ने राजद पर कसा तंज। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बीते दिन राजद को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी अपने दर्जन भर MLA MLC को जदयू में जाने से नहीं रोक पाई। उसका 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी देने का अव्यावहारिक वादा नाकार दिया गया है। गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी नेतृत्व को विपक्ष में बैठने
करने का जनादेश दिया, उसका कोई न कोई शख्स एनडीए के विधायक तोड़ने के नीत नए बड़बोले दावे कर अपनी लॉयल्टी साबित कर रहा है। इनमें कोई राजनयिक सच्चाई नहीं है। नए साल में बिहार को मिलेगी 17 पुलों की सौगात। साल 2021 में बिहार को कई अहम तोहफे मिलने वाले हैं। इस नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी कड़ी में राज्य को अगले 4 साल में कुल 17 नए पुलों की सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि इन 17 पुलों में से केवल गंगा नदी पर 13 पुल का निर्माण करवाया गया है, वहीं कोसी नदी पर 2 और कर्मनाशा और सोन नदी पर एक एक पुल का निर्माण करवाया जाएगा। इन पुल परियोजनाओं में केंद्र सरकार की भागीदारी भी बताई गई है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की माने तो पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु का 4 लेन में फिलहाल 2 लेन पर ही यातायात हो रहा है। सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को परिवहन विभाग देगा मुआवजा। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को परिवहन विभाग की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर फंड बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान समय में जान गंवाने वालों के परिजनों को आपदा विभाग की तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग को बिहार में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। पूर्व मंत्री बूटा सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह ने आज 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। उनके गुजर जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बूटा सिंह के गुजर जाने पर शोक संवेदना प्रकट की है। वहीं उनके गुजर जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और उन्हें अनुभवी प्रशासक के साथ गरीबों के कल्याण की प्रभावी आवाज बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बूटा सिंह एक अनुभवी प्रशासक और गरीबों तथा वंचितों के कल्याण के प्रभावी आवाज थे। उनके गुजर जाने से मैं दुखी हूं। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आरसीपी सिंह पहुंचे जदयू कार्यालय। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही काफी ज्यादा एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह ने इसी बाबत पार्टी ऑफिस पहुंचकर राज्य कार्यकारिणी की होने वाली बैठक को लेकर नेताओं से बातचीत की है। 10 जनवरी को बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, इसको लेकर आरसीपी सिंह ने नेताओं से बातचीत की है। जदयू के राज्य कार्यकारिणी में लगभग 300 सदस्य मौजूद होंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो राज्य कार्यकारिणी में बदलाव भी किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की भूमिका पार्टी के खिलाफ रही है वैसे लोगों पर कार्रवाई भी इस दौरान हो सकती है। BS4 गाड़ियों के कागजात में सुधार करवाने की सरकार ने दी मंजूरी। नए साल में परिवहन विभाग ने BS4 मार्का गाड़ी मालिकों वो बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने गाड़ी के कागजात में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी को सुधारने का परमिशन दे दिया है। पहले विभाग की तरफ से संशोधन की प्रक्रिया बंद थी, लेकिन सरकार ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार अगर नाम पिता का नाम पते में कोई गड़बड़ी हो तो अब सुधार करवाया जा सकता है, लेकिन जन्मतिथि या फ्यूल नॉर्म्स में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। नए साल में सपना चौधरी का नया लुक आया सामने। देसी क्वीन कही जाने वाली सपना चौधरी नए साल पर अलग ही अंदाज में नजर आए। ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही सपना चौधरी ने कविता के अंदाज में 2020 को याद किया। सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर जारी अपनी एक तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, इस साल मैं हारी, मैं जीती, मैं रोई, मैं मुस्कुराई, मैं अंदर से टूट गई, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। इसके साथ ही सपना चौधरी ने अपने फैंस को नए साल 2021 की शुभकामनाएं भी दी है। इससे पहले सपना चौधरी ने एक और तस्वीर साझा की थी, जिसमें उन्होंने आलोचकों पर बिना किसी का नाम लिए ही तंज कसा था। तस्वीर के कैप्शन में सपना ने लिखा था, जोर लगा लो जितना, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे ही मुंह से कहलवा दूंगी, क्या बात है, क्या बात है। सिडनी मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है। निर्णायक टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम मैदान में जमकर पसीने बहा रही है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रहाणे की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था और सीरीज को 1-1 से बराबर किया था। BCCI द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में टीम इंडिया के खिलाड़ी कैचिंग और थ्रो की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। BCCI ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, नया साल नई एनर्जी जोश कैसा है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बीते कई दिनों से बिहार में कोरोना के मामलों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि बिहार में कोरोना नियंत्रित है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।